ये तिल है कुछ 100 ग्राम के आसपास, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया हल्का फ्राई, फिर उसके बाद हैमर से थोड़ा सा पीस लिया हल्का, ताकि इसका तिल का जो स्वाद होता है निखर के आए। फिर उसके बाद मैंने इस टाइप का जो बाहर मार्केट में जो गुड़ मिलता है वो मैं डालूँगी इसमें। तो गुड़ को हम लोग कुछ इस तरह से कट करके दे सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी लिक्विड जो है इसका फॉर्म हो जाएगा बनना, और नहीं तो आप कूट के भी, जो हैमर होता है उसे आप कूट के भी इसको डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ पीसेस बना के भी इसे डाल सकते हैं। हम लोग गैस को पूरा सिम में रख, गैस को हम लोग सिम रखेंगे और ऐसे गुड़ को मेल्ट होने देंगे। और ऐसे एक कांच का कोई भी या फिर कोई भी आपका स्टील का ग्लास में ऐसे एक पानी रख के रखना है, क्योंकि गुड़ का जो टेक्सचर है वो लड्डू बनने के लिए रेडी है कि नहीं। इसको थोड़ा टाइम ठंडा करने के लिए रखना है, ज़्यादा कूल नहीं होना चाहिए आपका गुड़ का टेम्परेचर, नहीं तो आपका जो लड्डू है तिल का वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जो मार्केट में हम लोग को रेडीमेड मिलता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो ऐसे टाइप का नहीं बनेगा। और आप अगर चूल्हे में गुड़ के साथ अगर तिल को मिक्स करके बना देते हैं तो फिर, मतलब गैस के ऊपर ही, तो फिर क्या वो भी आपका जो बॉन्ड है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, वो दांतों से जो होता है हम लोग को तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अच्छा टेक्सचर उसी का आता है कि आप इसको थोड़ा सा कूल करके फिर उसके बाद इसमें तिल मिक्स करना है। तो इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि इसका जो बॉन्डिंग है पूरा एक दूसरे के साथ ये अच्छे से चिपक जाए, और गुड़ ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी, अभी तो ठंडे का सीजन है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी में ये उसको मिक्स करते जाना है। कुछ इस टाइप का आपका जो तिल का गुड़ का जो मिक्स है ऐसे दिखेगा। फिर क्या आपको उसके बाद इसका लड्डू बनाना होता है। देखिए इतना अभी गर्म नहीं है, तो आप हाथों से ऐसे आसानी से इसका लड्डू बना सकते हैं, चाहे कोई भी साइज का हो, छोटे बड़े मीडियम। ये बन गया आपका तिल का परफेक्ट लड्डू। ये मेरा मम्मी का रेसिपी है, आप ट्राई करिए, मेरा मम्मी का रेसिपी है, आप अगर ट्राई करेंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कैसा बना है। और हम लोगों की तरफ से आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति।